Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस हादसे के बाद इस रूट की 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने एक बयान जारी कर 9 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने की जानकारी दी, जिसके बाद डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे के बाद घटना स्थल का दौरा किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। साथ ही पीएम ने अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। पीएम ने कहा कि प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और राहत एवं बचाव कार्य की सफलता की प्रार्थना करती हूँ।